Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your teacher. Today, we will start our new book by Brain Root series. And the name of our book is Science Park Class 1. आज हम अपनी साइंस की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 1 है लुकिंग अराउंड. क्या नाम है चैप्टर का? लुकिंग अराउंड, मतलब चारों तरफ देखिए. चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. माय लर्निंग प्लान. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल एंड मैड मेड थिंग्स. इस चैप्टर में आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में. तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज. राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स डेट यू सी इन द कोचेस ऑफ द ट्रेन. आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जो आप कहाँ देखते हैं? ट्रेन के कोचेस में, मतलब रेलगाड़ी के डब्बों में आप देखते हैं. आप सब ने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा. आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी नानी के घर, दादी के घर, एक्सेट्रा, कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो कोचेस मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं उनमें आपने क्या क्या देखा है? आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोचेस में. क्या होता है? कर्टेंस होते हैं, और क्या होता है? फैन, लाइट, स्विचेस, बर्थ जिस पर आप बैठते हैं ट्रेन में हम सफ़र करते हैं. तो उन सब चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. नाउ स्टार्ट. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. अब आप क्लास में हैं तो आप क्लास में देखिए, चारों तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. अगर आप घर से बाहर हैं, जब आप स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. आप डिफरेंट व्हीकल्स देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. दीज थिंग्स आर आइदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस लेती हैं, और नॉन लिविंग थिंग वो होती हैं जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेती. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रूम में बेड है, तो बेड सांस लेता है? नहीं. तो बेड क्या है? नॉन लिविंग थिंग. अगर आपके घर में कोई पेट है, पेट मतलब जो भी पालतू जानवर है, तो वो क्या है? लिविंग थिंग. क्यों? क्योंकि वो सांस लेते हैं, मूव करते हैं और ग्रो करते हैं. सेम ऐसे ही प्लांट, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन वो क्या है? दे आर लिविंग थिंग. प्लांट्स ग्रो, ब्रीथ एंड मेक देयर ओन फूड. लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से क्या होती हैं? अलग होती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट लिविंग थिंग्स. अब मैं आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगी. देयर आर सर्टेन थिंग्स डैट ओनली लिविंग थिंग्स डू सच एज. अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स करती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें हैं जिनमें क्या होती है? जान होती है, जिनका जीवन होता है. दे फील, ब्रीथ, मूव, ईट, रिप्रोड्यूस, ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स चीज़ों को फील करती हैं. ब्रीथ मतलब सांस लेती हैं, मूव एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं. ईट वो खाना खाती हैं. देन रिप्रोड्यूस वो अपने जैसे दूसरी चीज़ों को जन्म देती हैं. देन ग्रो, ग्रो ग्रो कैसे करती हैं लिविंग थिंग्स? आप अपने आप को देखिए, जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे आप क्या हुए? बड़े हुए. आप स्कूल जाने लगे, फिर आप और भी चीज़ें करने लगे. जब आप छोटे थे तो आप सब चीज़ों के लिए अपनी मम्मा पे डिपेंड थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपनी चीज़ें खुद करने लगे.
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. सभी प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. जो अर्थवॉर्म होते हैं, जिसे हम केचुआ कहते हैं, वो कैसे ब्रीथ करता है? वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है. स्किन मतलब त्वचा से ब्रीथ करता है. नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. अब मैं आपको बताऊंगी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम. नॉन लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होती हैं. दे डू नॉट ब्रीथ, मूव, फील, रिप्रोड्यूस और ग्रो लाइक लिविंग थिंग्स. वो लिविंग थिंग की तरह ना मूव करती हैं, ना ग्रो करते हैं और ना रिप्रोड्यूस करते हैं. द नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन योर क्लासरूम आर. आप अपनी क्लासरूम में जो नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं वो कौन कौन सी हैं? टेबल, बुक, बैग, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड और फैन. ये सब क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. आपने कभी देखा है किताबों को सांस लेते हुए? आपने कभी टेबल को देखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर गया? या फिर उसको क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए. और कल आपने देखा तो टेबल छोटा था, नेक्स्ट डे आके टेबल अपने आप बड़ा होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू आर अ लिविंग थिंग्स एंड द स्टूल डेट यू सिट ऑन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स. क्या आप जानते हैं कि आप क्या है? लिविंग थिंग है. और आप जिस स्टूल पर बैठे हैं वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. नाउ टेस्ट योर स्किल. आप एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, चलिए. नेम एनी टू नॉन लिविंग थिंग्स यू सी ऑन द रोड. अब आपको दो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं जो आप कहाँ देखते हैं? सड़क पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, नेम एनी टू नॉन लिविंग थिंग्स यू सी एट होम. अब आपको दो वो नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं जो आप घर में देखते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हम रोड पर दो नॉन लिविंग थिंग्स क्या देखते हैं. नंबर वन, कार. हमने क्या देखी? कार. कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. एक नाम आप अपने आप लिखेंगे सोच के. नेक्स्ट, अब हमें क्या लिखना है? दो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं जिन्हें हम कहाँ देखते हैं? अपने घर में. एक का नाम मैं बताऊंगी, एक का नाम आप खुद लिखेंगे. तो हम घर में क्या देखते हैं नॉन लिविंग थिंग में? FAN, फैन. सबके घर में फैन होता है और फैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग. नाउ वी विल रीड अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग. नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, और मैन मेड वो होती हैं जिन्हें किसने बनाया है? इंसान ने बनाया. मतलब मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाई गई चीज़ें. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, रॉक, स्टोन्स एंड सॉइल आर फाउंड इन नेचर. दे आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों, पानी, रॉक मतलब पत्थर, सॉइल मिट्टी, ये सब क्या है? ये सब नेचर में मिलती है, हमें प्रकृति द्वारा मिलती है. और ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ये प्रकृति द्वारा दी गई हमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. पानी को कभी सांस लेते हुए देखा आपने? नहीं. रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थरों को सांस लेते हुए देखा है? नहीं. एंड आफ्टर देन सॉइल. सॉइल मतलब मिट्टी. ये सब क्या है? ये सब नेचुरल थिंग्स हैं. और साथ में क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं लेती. ये प्रकृति द्वारा हमें दी गई चीज़ें हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बस एंड एन एरोप्लेन. बस और एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते हैं, लेकिन वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये सांस नहीं ले सकती. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, पेन, टेबल एंड क्लॉथ मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कार, पेन, क्लॉथ
और टेबल ये सब क्या हैं? मैनमेड थिंग्स हैं जिन्हें इंसान ने बनाया है. नाउ वी विल गो इन फ्लैशबैक. हमने इस चैप्टर में नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और किसके बारे में पढ़ा? मैनमेड थिंग्स के बारे में. तो चलिए जल्दी से एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं और अपना चैप्टर रिवाइज करते हैं. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ों को देखते हैं. सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. उनमें से कुछ क्या है? लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है. कुछ सांस लेती हैं और कुछ सांस नहीं लेती. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें हैं जिनमें क्या है? लाइफ है, जिनका जीवन है. लिविंग थिंग्स कैन फील, ब्रीथ, मूव, ईट, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो. और लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? फील करती हैं, ब्रीथ करती हैं, ग्रो और रिप्रोड्यूस करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, जो सांस नहीं लेती. नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं. नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज. हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. नंबर वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन हैं. आपको सही ऑप्शन पे क्या करना है? टिक करना है. नंबर वन, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, मूव, डू ऑल ऑफ दीज. लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं या फिर है ये सारे काम कर सकती हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं और मूव भी करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या नहीं होता? लाइफ, शेप, वेट और कलर. नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती. दैट्स मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल थिंग. यहाँ पर आपको चार चीज़ों के नाम दिए हुए हैं. आपको ये बताना है इनमें से क्या नेचुरल थिंग है. पेंसिल, बुक, रिवर और टेबल. द करेक्ट ऑप्शन इज रिवर. रिवर क्या है? नेचुरल थिंग है जो हमें प्रकृति द्वारा मिली हुई है. नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड थिंग. इनमें से कौन सी चीज़ है जो मैन मेड नहीं है, इंसान द्वारा नहीं बनाई हुई? टेलीविज़न, माउंटेन, चेयर, एरोप्लेन. टेलीविज़न को आदमी ने बनाया है, चेयर को भी, एरोप्लेन को भी. आदमी ने क्या नहीं बनाए? माउंटेन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज बी, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द लिविंग थिंग्स एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको. फोर पिक्चर हैं. उनमें क्या करना है? जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस ले सकती हैं, उनको आपको कलर करना है और उनके नाम लिखने हैं. जैसे नंबर वन पिक्चर है डॉग की. डॉग क्या है? डॉग इज अ लिविंग थिंग. तो यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे DOG, डॉग. और इसमें क्या करेंगे? कलर करेंगे. नंबर टू है कार की पिक्चर. कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो आपको इसमें कलर नहीं करना और उसका नाम भी नहीं लिखना. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ट्री. ट्री की पिक्चर है. ट्री इज अ लिविंग थिंग. फर्स्ट यू विल राइट नेम TREE, ट्री. एंड इन लास्ट यू हैव टू कलर इट वेरी ब्यूटिफुली. द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ पेंसिल. पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो नो नीड टू कलर इट. आपको उसमें कलर करने की जरूरत नहीं है. नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो खाली स्पेस है उसको भरना है सही वर्ड को चूज करके. नंबर वन, सॉइल इज अ डैश मैन मेड और नेचुरल थिंग. क्या है सॉइल? सॉइल इज अ नेचुरल थिंग. आप नेचुरल पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे NATURAL, नेचुरल. नंबर टू,
all plants and animals are dash. Plants or animals kya hain? Non-living thing or living things? They both are living thing. L-I-V-I-N-G. Living thing. Number 3. A dash is a living thing. Ball or bird? Ball living thing hai ya bird? The correct option is bird. So, aap yahan likhenge bird. B-I-R-D. Bird. Number 4. All dash things reproduce. Living or non-living? तो कौन सी चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? तो करेक्ट वर्ड है लिविंग. हम यहां लिखेंगे लिविंग, एल आई वी आई एन जी, लिविंग. नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं. तो चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ. नंबर 1, नेम एनी 3 वर्क्स दैट लिविंग थिंग्स डू. वो 3 कामों के बारे में लिखिए जो लिविंग थिंग्स करती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, नेम एनी 2. मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, किन्हीं 2 मैन मेड चीजों के नाम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. आपको नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बीच में क्या बताना है डिफरेंस. वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो एक बार आप अच्छे से अपना चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care. Bye-bye.